नमस्कार, खान पान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट क्रैकर्स। सबसे पहले हम कच्ची मूंगफली को लेंगे, उसे अच्छे से साफ करके पानी से वॉश कर लेंगे। फिर हम बेसन को थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे, एक साथ हमें बेसन नहीं डालना। हमारी ये मूंगफली 500 ग्राम है और बेसन इसमें लगभग 200 ग्राम है। हमने चावल का आटा डाला है, ये 3 टीस्पून है और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है ताकि मूंगफली से चिपक जाए। इसे अच्छे से मिलाएं। अब थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है, इकट्ठा पानी नहीं डालना ताकि मूंगफली पर आराम से पानी लग जाए और हमारा मसाला उसे चिपक जाए। ऐसे ही अब बेसन डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे, फिर बेसन। ऐसा प्रोसीजर हमें तब तक करना है जब तक हमारी मूंगफली पर अच्छे से ये चिपक ना जाए मसाला। बेसन, चावल, आटा, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, काला नमक, चाट मसाला, अमचूर, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और आंच को धीमा कर लिया है। अब इसमें धीरे धीरे से हम इनको एक एक करके डालेंगे और इसे कड़छी की सहायता से तुरंत ही अलग कर देंगे ताकि आपस में चिपक ना पाए। अगर चिपक गए तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, इनको अलग अलग ही करना है हमें। इनको भूनने में तकरीबन हमें 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है अच्छे से भूनने में, क्योंकि मूंगफली भी हमारी कच्ची है। अगर हम जल्दी गर्म आंच के ऊपर से इसे निकालेंगे ज़्यादा तेज आँच से तो ये कच्ची रह जाएगी अंदर से, इसलिए हमें आंच को धीमा ही रखना है। इसी प्रकार हम सारी अपनी मूंगफली को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए मसाला डाला है हमने, धनिया, मिर्च, देगी लाल मिर्च, नमक, काला नमक, चाट मसाला, अमचूर, काला जीरा, भुना हुआ जीरा था और काली मिर्च। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें इसमें, जो भी मसाला आपको अच्छा लगता है। अब सारे मसाले को हम गरम गरम मूंगफली के ऊपर ही डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे ताकि मसाला इसके ऊपर चिपक जाए, इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। और इसे हम 2 टीस्पून या किसी भी हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारी बनकर तैयार है हमारी पीनट क्रैकर्स। आप खाएं, खिलाएं और अपना अनुभव हमारे साथ इसका साझा करें।